हेलो यूट्यूब, इस वीडियो में हम मेटा सेंटर देखेंगे। मेटा सेंटर क्या होता है? मेटा सेंटर इज डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच ए बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग व्हेन ए बॉडी इज टिल्टेड बाय ए स्मॉल एंगल। और इसको हम बोल सकते हैं द पॉइंट एट विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी विल मीट द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये एक बॉडी है। जब ये नॉर्मल पोजिशन में है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बॉयंसी एक ही लाइन में आते हैं, नॉर्मल लाइन पे आते हैं। लेकिन जब बॉडी को हम हिला देते हैं, उसको थोड़ा सा एंगुलर ट्विस्ट दे देते हैं, तो फिर उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो तो नॉर्मल पे लाइक करता है, सीजी तो नॉर्मल पे लाइक करता है, लेकिन जो उसका बॉयंसी है वो एंगल से थोड़ा खिसक जाता है और फिर ये एंगल ऑफ थीटा आता है। और ये लाइन जब यहाँ पर नॉर्मल एक्सिस को जब मीट करता है, उसको बोलते हैं मेटा सेंटर। समझ गए? बियोंसी की लाइन जब नॉर्मल एक्सिस को मीट करती है, उसको बोलते हैं मेटा सेंटर। और इसमें आता है मेटा सेंटर हाइट। मेटा सेंटर हाइट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मेटा सेंटर हाइट। द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। मतलब क्या है? जी और बी के बीच का डिस्टेंस को बोला जाता है मेटासेंट्रिक हाइट। और मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको बोला मेटासेंट्रिक हाइट को जी एम बोलते हैं। जी एम इक्वल्स टू आई अपॉन, इसको हम वी भी बोल सकते हैं, माइनस बी जी। इसमें जो आई होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। इतना याद रखिए, वाई वाई एक्सिस। और ये जो है वो वी, वो होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन लिक्विड। याद रखिए, ये जो वी होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन लिक्विड, जितना बॉडी लिक्विड में डाला है सिर्फ उतने का ही वॉल्यूम अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, पूरा बॉडी का वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करना। अगर ये बॉडी पानी के अंदर डाला है और इसका हाइट दिया है बी, पूरा हाइट दिया है बी इंटू डी बी डी, तो अपने को पूरा वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करना है। डी तो अपन पूरा लेंगे और बी का जो है वो इतना ही लेंगे जितना पानी के अंदर है, उससे अपन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन वाटर। और बी जी जो होता है, बी जी कैसे कैलकुलेट होता है, ए जी माइनस ए बी। अब इसमें ए जी क्या होता है? ए जी होता है एच बाई टू। अपने को क्वेश्चन में एल इंटू विड्थ इंटू हाइट दिया रहता है, क्वेश्चन में लेंथ विड्थ और हाइट दिया रहता है। जो भी हाइट होता है, हाइट अपॉन टू करेंगे तो वो अपना ए जी होता है। और बी जी क्या होता है? डेप्थ ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन वाटर। क्वेश्चन में ये गिवन आता है अपने को, डेप्थ ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन वाटर गिवन आता है, उसको अपॉन टू करेंगे तो ए बी आएगा और उसी से अपना बी जी निकलेगा, ए जी माइनस ए बी। तो सारे अपने पास अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ए वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, बी जी कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। तो अपन सीधा जी एम के फॉर्मूले में रख देंगे इसको, तो अपने को मेटासेंट्रिक हाइट मिल जाएगा। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है? ए रेक्टेंगुलर पेंटॉन इज 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 1.20 मीटर हाइट। द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ पेंटॉन इज 0.80 इन सी वाटर। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी is 0.6 mm above the bottom of the pontoon, determine the metasetric height. The density of water is 1025 kg meter cube. Density of water दिया अपने को। अब इसमें given क्या क्या दिया अपन उसको लिख लेंगे। अपने को width दिया है, L into width into height दिया है, depth of immersion भी question में दिया है अपने को, depth of immersion 0.80 meter, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है 0.6, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है 0.6, ठीक है। और उससे अपन डेंसिटी भी गिवन है सी वाटर का 1025 केजी मीटर क्यूब। अभी अपन एजी निकालेंगे। मैंने आपको बताया था एजी क्या होता है, एच बाई टू, एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच, जो भी एच होता है एच बाई टू होता है अपना एजी। हाइट अपने को दिया है 1.20 मीटर, 1.20 अपॉन टू करेंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा अपना एजी। और ए बी क्या आता है? ए बी मैंने आपको बोला था, यहाँ पर ए बी होता है डेप्थ ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन वाटर अपॉन टू।
तो डेप्थ ऑफ बॉडी इमर्स आपने को क्वेश्चन में गिवन था 0.80 मीटर, तो ए बी आ जाएगा 0.80/2, तो 0.4 मीटर आएगा अपना ए बी, तो उससे अपना बी जी मिल जाएगा। बी जी का फॉर्मूला क्या था, ए जी माइनस ए बी, बी जी का फॉर्मूला था ए जी माइनस ए बी। अभी अपने को बी जी मिल गया, आई कैलकुलेट करना है और वी कैलकुलेट करना है। आई कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल है ये डब एल इंटू, यहाँ पर क्या क्या दिया अपने, एल विड्थ और हाइट दिया है, मतलब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का, और क्वेश्चन में बोला गया है कि रेक्टेंगुलर पोंटोन है ये, तो रेक्टेंगल का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाई 12। बी डी क्यूब बाई 12 क्या होता है अपना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्स एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें वाई वाई एक्सिस पे फाइंड करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग वाई वाई एक्सिस होता है डी बी क्यूब बाई 12। आप यहाँ पर गलती से बी डी क्यूब मत कर देना, क्योंकि अपने को वाई वाई एक्सिस पे कैलकुलेट करना है। अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है सॉम में, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसमें हम अपने को उन्होंने प्रूफ करके बताया कि एक्सिस एक्सिस पे क्या होता है और वाई वाई एक्सिस पे क्या कैसे होता है। तो आप इतना याद रखिए, अगर एक्स एक्स एक्सिस पे होता है तो वो बी डी क्यूब बाय 12 होता है, और वाई वाई एक्सिस पे है तो डी बी क्यूब बाय 12 होगा। अभी अपने को वाई वाई एक्सिस पे कैलकुलेट करना है, इसलिए डी बी क्यूब बाय 12। तो डी अपने को दिया है 5, बी दिया है 3, अपॉन 12 करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अपना। बी जी अपन ने कैलकुलेट किया, ए जी माइनस ए बी, ए जी की वैल्यू है अपने पास, ए बी की वैल्यू है, ये करेंगे तो अपने पास बी जी की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू अपने पास आ गई। और अभी क्या बचा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना सबमर्ज हुआ है, 5 × 3। 5 × 3 क्यों, 5 × 3 मतलब 5 अपना क्या दिया है, लेंथ दिया है, ये बॉडी है ठीक है, ये पानी में सबमर्ज है, लेंथ 3 मीटर तो पूरा पानी में जाएगा ठीक है, और इसका विड्थ भी पूरा पानी में जाएगा, विड्थ कितना दिया है 3 मीटर, लेंथ दिया है 5 मीटर ठीक है, ये 5 मीटर पूरा पानी में जाएगा और ये 3 मीटर पूरा पानी में जाएगा। बचा क्या, हाइट। इस बॉक्स को जैसे आप समझ सकते हैं, ये इस कैल्सी को आप कंसिडर कीजिए कि ये रेक्टेंगुलर है, इसको अंदर ऐसा डाला है, या फिर आप समझ सकते हैं इसको अंदर ऐसा डाला है, तो फिर उसका जो डब्ल्यू एल है, लेंथ तो पूरा 5 सेंटीमीटर अंदर डूबेगा ही, साथ में विड्थ भी पूरा अंदर जाएगा, लेकिन जो हाइट है, पानी समझ लिए आप, इतना पानी है, जब आप उसको 3D में देखेंगे तब जो हाइट होता है, आप इसको 3D में ऐसा देख सकते हैं ठीक है, ये अपने पास दिया है 3D में, आप जब इसको ऐसे देखेंगे तो ये हाइट आ जाएगा 5.0 मीटर। अभी ये 3D में ऐसा आएगा, लेकिन हाइट 1.20 पूरा अंदर नहीं जाएगा, हमें क्या बोला है, डेप्थ ऑफ इमर्शन हमें दिया है, डेप्थ ऑफ इमर्शन मतलब 0.8 मीटर, तो इतना जो लेंथ है वो है अपना 0.8 मीटर, इसलिए आप समझ गए, जो ये एल है, एल पूरा का पूरा पानी में जाएगा, 5 × विड्थ भी पूरा का पूरा पानी में जाएगा 3 मीटर, लेकिन जो हाइट है वो सिर्फ उतना ही जाएगा जितना डेप्थ ऑफ इमर्शन दिया है कि 0.8 मीटर ही अंदर जाए। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, एल एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच, एल तो 5 बराबर है, डब्ल्यू भी 3 वैसे का वैसे ही है, एच 0.8, एच गलती से आप 1.20 मत ले लेना, क्योंकि एच उतना होता है जितना कि पानी में बॉडी जाता है, तो फिर 5 × 3 × 0.8 अपन करेंगे तो 12 m³ आ जाएगा वॉल्यूम। अपने पास सब आ गया, सीधा सीधा अपने को उसको फार्मूले में डालना है, GM इक्वल्स टू I अपॉन वॉल्यूम। I क्या था, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैलकुलेट किया था 11.25, वॉल्यूम आया 12, और BG की वैल्यू आई अपने को, BG अपन ने कैलकुलेट किया 0.2। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने को GM की वैल्यू आएगी, GM होता है मेटास्टेटिक हाइट, GM की वैल्यू है 0.7373 मीटर। दैट्स ऑल, यही था इसका सोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।